अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यू आर मैड आफ्टर मनी, आई एम मैड आफ्टर गॉड। यू आर मैड, सो एम आई, बट आई थिंक माई मैडनेस इज बेस्ट। यानी कि तुम पैसे के पीछे पागल हो, मैं ईश्वर के पीछे पागल हूं। पागल हम दोनों हैं, लेकिन अर्थ इसका ये है कि मैं ईश्वर के लिए पागल हूं, इसलिए मेरा पागलपन सबसे बेस्ट है। यहां पे पागलपन का अर्थ मैं समर्पण समझाने की कोशिश करूंगी, समर्पण ही है जो मैं समझा रही हूं। पागलपन का अर्थ मतलब समर्पण। यहां पे मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या आपको कभी भी लाइफ में किसी ने ऐसा कहा है कि आप पागल हैं? या आपने पागलपन सवाल है, क्योंकि हम इस गुरु दरबार से जुड़े थे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको क्या किसी ने कहा है कि आप पागल हैं, या पागलपन सवाल है, या आपको तो दुनिया के हिसाब से जीना ही नहीं आता। मुझे तो हर बार 31st का प्रोग्राम झलिया में मनाया जाता है गुरुदेव के सानिध्य में, और इच्छा वही रहती है कि 31st का प्रोग्राम वही मनाया जाए, बदल सत्संग कीर्तन करके। जब मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे पूछते हैं कि 31st का क्या प्लान है, मैं कहती हूँ कि मैं सत्संग करने वाली हूँ झलिया में गुरुदेव के सानिध्य में, वो सब मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो, तुमको तो दुनिया के हिसाब से जीना ही नहीं आता। कौन 31st का प्रोग्राम ऐसे मनाता है? साल में 365 डेज होते हैं, 364 डेज है तुम्हारे पास सत्संग करने के लिए, एक दिन तो ऐसे ना हो। तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब देती हूँ, सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, हम सब गुरु वाले सेवा में जाकर ऐसे कॉन्टैक्ट होनी चाहिए।
दूसरा हम समझते हैं क्या समर्पण होने चाहिए, दूसरा समर्पण होता है मैं को खत्म करने का, अपने विकारों से लड़ने का। हम इस गुरु दरबार में आई स्पेशलिस्ट तो बनने नहीं आए हैं कि सब सेवा करें और सब हमारी बड़ाई करें या गुरुदेव से हम बड़ाई सुने। हम अपने यहाँ पे पाप कर्म नष्ट करना है और हमें अच्छा लगता है सेवा करना, इसके लिए तो अपने विकारों से लड़ना बहुत जरूरी है, आई को खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने पास कई ऐसे इतिहास देखे हैं कि जिसके मन में भी अहम आया सेवा को लेके या कोई भी कालभक्ति को लेके, जैसे रावण को लेके इतना बड़ा उनको जैसी अहम आया मैं आया उनका सर्वनाश हो गया, तो वैसे ही हमें ये ध्यान रखना है कि गुरुदेव जब पूरा ब्रह्मांड चला सकते हैं, कोरोना को पल भर में ठीक कर सकते हैं, मुर्दे को उठा सकते हैं, तो वो सेवा का भाव तो किसी में भी डाल सकते हैं। फिर हम क्यों अहम कर रहे हैं कि हम ही स्पेशल है, हम ही बेस्ट है, उसके लिए हमें गुरुदेव सेवा दे रहे हैं। तीसरा समर्पण हमारे अंदर होना चाहिए, हमें सबको साथ में लेकर चलना है। हम कितनी बार एक दूसरे की निंदा कर लेते हैं शायद कि कोई को अच्छा सेवा नहीं करना, मैं बेस्ट हूँ या अन्य कोई बातों पे, तो हम सभी गुरु परिवार है, हमें सब साथ में लेके चलना है, ना ही एक दूसरे की निंदा करना है, क्योंकि यही एक सच्चा सेवक का समर्पण होता है। अगर आप सबको साथ में लेके चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा गुरुदेव आपसे कब खुश हो जाएंगे। क्योंकि हम अगर बुराई कर रहे हैं तो वो बुराई हमारे अंदर भी आ जाती है, नहीं लगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई गीले बर्तन में आटा डाले और फिर उस आटे को गीले बर्तन से निकाले, तो आप देखेंगे उस बर्तन में कुछ ना कुछ आटा लगा रह ही जाता है। वैसे ही हम अगर बुराई करते हैं किसी की, तो वो बुराई हमारे अंदर रह ही जाती है। इसके लिए भाई और बहनों अपने अंदर समर्पण करिए, समर्पण को जगाइए, क्योंकि ये गुरु दरबार हमें बहुत भाग्य से मिला है, गुरुदेव की कृपा से मिला है। गुरुदेव जैसा करते हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि हमें साधना करनी चाहिए, साधना जरूर करिए, क्योंकि आपने जो धन कमाया है यहाँ पे, आपने जो गाड़ी बंगले घर लिए हैं, वो सब आप यहीं पे छोड़ के जाने वाले हो, अपने जन्म में साथ लेके नहीं जाओगे। लेकिन साधना, जब आप साधना करते हो, आप कमाई करते हो, वो आपका असली धन है। साधना क्या है? श्वास श्वास धन नाम का, कमाने की जो युक्ति है, वेदों का जो मंत्र है, पुराणों की जो श्रुति है, आओ मिलकर करें साधना, जो परमात्मा तत्व की युक्ति है। आओ मिलकर करें साधना, जो परमात्मा तत्व की युक्ति है। अंत में साधना क्या होती है? मैंने पूछा गुरुवर से, क्या होती है साधना? मुस्कुराकर गुरुवर बोले, कई शब्दों की प्रार्थना, मन को लगे जो यातना, प्रसन्न होती जिससे आत्मा, विकारों का करती खात्मा, बस यही तो है साधना। आप सब जब भी ध्यान में बैठते होंगे, आपको जरूर ऐसा लगता होगा साथी साथी में कि मन नहीं लग रहा है या नींद आती होती है, लेकिन आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि प्रैक्टिस से आप परफेक्शन में पहुंचते हो। गुरुदेव भी तो नियमित रूप से साधना करते हैं आगरा धाम में, सुबह शाम रात उनकी साधना चलती रहती है, और तभी इतने प्रैक्टिस के बाद ही हमें भी अगर सफलता पानी है तो हमें भी वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं भरतनाट्यम जब वो सीखने जाता है तो उसे क्या बताया जाता है? व्हेनेवर योर हैंड गोस, योर आई शुड फॉलो दैट, यानी कि आपके हाथ जहां जहां जाएंगे आपकी आंखें उसको फॉलो करेंगी। शुरू शुरू में वो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, उसे ऐसा भी लगता है कि उससे वो नहीं हो पाए, लेकिन वो जब निरंतर प्रैक्टिस करता है, निरंतर अभ्यास करता है, तो उसे पता भी नहीं चलता, एक दिन ऑटोमेटिकली जहां उसका हाथ जाता है उसकी आंखें वहां जाती है। क्या आप जानते हैं एक स्पोर्ट्स मैन 15 सेकेंड की परफॉर्मेंस के लिए कितना प्रैक्टिस करता है? वो 15 सेकेंड की परफॉर्मेंस के लिए 15 साल प्रैक्टिस करता है। तो सोचिए, हमें अगर साधना करनी है, हमारा मन तो बहुत चंचल है, एक मिनट में अगर 2 सेकेंड, तो इस मन को कंट्रोल करके हमें साधना करनी है तो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है।
भाई और बहन तो जाके उनके साधना करके बुढ़े भगवान की अभी भजन वाले बुढ़े की स्वागत करें। आ गए आ गए आ गए प्यारे Thank you.
परंतु उनके मन में अहंकार, हम इतने बड़े महात्मा, इतनी सिद्धियां हमारे पास है, इस छोटे से बालक को मैं कैसे गुरु बना सकता हूं। तो उन्होंने एक पत्र लिख करके भेजा और पत्र में वो भेजा हूं मैं प्रणाम लिख नहीं सकता छोटे बालक को, आशीर्वाद कैसे लिखूं, गुरु बनाने की भी इच्छा है तो आशीर्वाद नहीं लिख सकते। उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्यों के द्वारा लिखावे में बंद करके एक साधा कागज भेज दिया संत ज्ञानेश्वर के पास। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की छोटी बहन कुंता बाई थी, उनके हाथ में पत्र दे करके चला गया कि हमारे गुरुदेव चांददेव जी महाराज ने पत्र भेजा है, अपने भाई को दे देना। चांददेव जी महाराज जब संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को पत्र मिला तो खोलो इसमें क्या लिखा है, जब उसमें खोल के देखा तो बोला भैया इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, सादा पेपर है कुछ नहीं लिखा इसमें। बोला अच्छा कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने 64 श्लोक उसमें लिख करके उत्तर का जवाब दिया, पत्र का जवाब दिया। वो आज संत ज्ञानेश्वर जी 64 पढ़ी करके बहुत विख्यात है, श्रीमद भगवत गीता की पढ़ी है। तब जब उनको श्लोक पढ़ा उनको चांदनी को समझ नहीं आया कि क्या कौन सा श्लोक उसके अर्थ क्या है भाव क्या है, तब उनको लगा कि लगता है कि हमारे गुरु हो सकते हैं ये नहीं। तब वो क्या किए वहां से शेर की सवारी हिंसक पशुओं पर उनको कमांड था। उनका हमारा पातंजलि योग दर्शन कहता है उसमें सूत्र आता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वै त्याग। जब हमारे हृदय के अंदर में अहिंसा पूर्ण हो जाती है तो कोई भी हिंसक पशु हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। ये भगवान कृष्ण महाराज के योग दर्शन में सूत्र है। उनको उस पर विजय प्राप्त था, हाथ में नाग साहब का चाबुक ले लिए, शेर में बैठ के चल दिए। शेर में बैठ के चले तो देखते क्या होता है, सुबह का समय था, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज एक कच्ची मिट्टी की दीवार पे, आग में दीवार वहां है, सब लोगों ने हम लोगों को देखा है दर्शन लाभ मिला हम लोगों को भी, वो कच्ची मिट्टी की दीवार आज भी है, उस पर बैठ करके वो दातुन कर रहे थे। उनकी बहन मुक्ता भाई एक गाँव में हल्ला हो गया, तो शेर की सवारी करके जो जा रहे बड़े महात्मा है 1400 साल के चांददेव जी महाराज आ रहे हैं। अच्छा बहन कोई बात नहीं है, चल दीवार चल स्वागत करते हैं। वो कच्ची मिट्टी के दीवार को ही उन्होंने चला दिया, जड़ पदार्थ को चला दिया। चांददेव जी महाराज वही गुरु से दंडवत करते हुए दीवार देख करके, मैं तो हिंसक पशुओं पर मेरा कमांड है, आप तो निर्जीव पदार्थ दीवार को भी चला दो उस पर भी कमांड है आपका। तब उन्होंने वहां से गुरु दीक्षा प्राप्त की 1400 साल की आयु में, जबकि चांदवे जी महाराज की संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र कितनी थी 1400 वर्ष केवल 1400 वर्ष। तो मैं बताना कह जाता हूं कि गुरु कितनी कठिनता से प्राप्त होते हैं, हम यूं ही नहीं बैठे यहां पर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कितने जन्म जन्मों से हम लोगों ने तपस्या करी होगी, कहां कहां धक्के खाए होंगे, कितने कितने जन्म हुए होंगे हमारे इस जीवन में भी, कम से कम अपने आप को अवलोकन करके देखेंगे आप पूजा पाठ करते करते आए हैं। हो सकता है कि हमारी पूजा से वो भगवान कोई हनुमान जी है, कृष्ण जी है, राधा जी है, राम जी है, इनकी भी लोग इनके को दे रही है, करते ही पूजा पाठ हमको जितने परिवार है करते ही करते हैं, तो वो प्रसन्न होकर के हमें यहाँ दरबार में भेज चुकी है। अब हमारी यहाँ पे आगे की यात्रा कैसे प्रारंभ होगी, एक गुरुवार क्या साधन है तो गुरु कृपा ही देव है। मैं अक्सर बताता रहता हूं कि लाइब्रेरी भरी पड़ी है पुस्तकों से, कितने पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं आप, उसकी प्रीफेस जो शुरू की जो किसी भी बुक को ऊपर लिखा रहता है दो चार पंक्तियां लिखी रहती है बुक के बारे में, उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे हम। करोड़ों पुस्तकें हैं संसार में, उनके उस जाल में फंस करके लोग क्या करते हैं, फंस के आ गए हम उस जाल से निकाल करके उतने लाइट फेंकते हैं बुलाते हैं यहाँ पे। अब इनके लिए क्या करना है, गुरु आज्ञा ही साधन है। अगर मैं समय धर्म में हमारे गुरुदेव बहुत सारे हमारे भाई सीए भी बैठे हैं यहाँ पे भी, एक सीए हमारे क्या करता बैठा है यहाँ पे, गुरुदेव अक्सर बोल दिया करते हैं अच्छा धाम पे आ गया क्या करना है तुझे, गुरु जी सीए की तैयारी कर रहा था, अच्छा कोई बात नहीं धर्म वाले आश्रम में बन जाएगा, कितनी बार आशीर्वाद दिया इन्होंने। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो कभी पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं था, केवल झाड़ू मात्र लगाने से गुरुदेव की सेवा
इसलिए बैठे यहाँ पर Bye.
कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री नारायण। दो तीन दिन से यहाँ पर योगिक सत्संग चल रहा है। योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज जिनके हम दरबार में बैठे हुए योगराज टीचर मोहन जी महाराज उन्हीं का प्रकाश साथ रहा करता है और हमारे साथ ही नहीं अपने हर बच्चे के साथ रहा करता है और उससे उनकी कृपाएं होती है उनके हमारे काम होते हैं। कैसे उनके प्रकाश को मुझे घंटा याद नहीं है आया आज का दिन है मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको। अभी ये हरियाणा में खड़ा हुआ है ये हरियाणा के हैं बल्लभगढ़ हरियाणा के गांव इनका खड़ा हुआ इनके पिताजी वगैरह श्री महाजी दीक्षित थे। दीक्षा के बाद दो तीन घर में नियमावली चली फिर उसके बाद सब जाप वगैरह ध्यान वगैरह सब बंद हो गया। घर में दिक्कतें आने लग गई दिक्कतें आई भूत प्रेतों का आवेश होने लग गया झगड़े होने लग गए खड़े होने लग गए। और जो इनके मुझे भाई ने बताया संजय ने कल सुबह उठते थे हमें फूल के छींटे पड़े घर में मिलते थे है? बारिश की तरह जैसे बारिश होती है ना ऐसे फूल छींटे पड़े मिलते थे और पशु पशु की मृत्यु भी अधिक हो जाती थी। घर में एकदम पूरे वातावरण खराब हो चुका दूषित हो चुका था। बड़े बड़े तांत्रिक बुलाए उन्होंने उपाय करने के लिए तांत्रिक आए लेकिन ठीक हुआ मैं कोई सब सुन जा करता था कोई लग नहीं पाया। कई तांत्रिक ऐसे आते थे जो कि उनको कोई सवारी आती थी तो वो सिगरेट पर सिगरेट पीते थे कर 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 तो उनको बोलना पड़ता था भैया एक सिगरेट पी के रोक ले इनकी हेल्प कर रहे उनकी सिगरेट पीते रोक ले मुझे इनसे पूछना है जब तक वो सिगरेट पिया तो उससे पूछ लो तंत्र के तरीके हैं। तो उसके बाद क्या हुआ श्री माता जी के बाद सबकी निगाह मेरी तरफ गई शायद उन्हीं का इशारा होगा उन्होंने मुझे इस काम में लगाना था है ना सेवा देनी थी तो इसलिए उन्होंने फिर आगे सब कुछ लोगों को भी दिखाया। तो ये लोग मेरे पास आए और मुझसे बोले आप तो हमारे गांव में आना है। मैंने कहा मेरा मन नहीं मैं नहीं आऊंगा अब माता जी के बाद क्या एक मन ही नहीं हो रहा था। नहीं बोले आपको आना है आपको आना पड़ा सब पीछे पड़ गए हमारे बहुत बुरा हाल हो रहा है बारिश की तरह फूल गिरता है ना खाने में कहीं कोई चीज में कोई चीज मिल जाया करती है बहुत बुरा हाल है। कई बार तो बताया उसने एक बार कहीं पे आग लगने के ऊपर फट गया इनकी एक भतीजी उस पर इतना आवेश होता था तुम्हारी किस आत्मा का आवेश था किसमें इतनी ताकत आती थी किसी के चक्कू मार दे दूध फेंकते उठा के किसी के चेहरे के ऊपर सबका बुरा हाल था। पहले मैंने कहा अच्छा तो वो भतीजी को अपनी को बेटी को हमारे पास आगरा समाई धाम ला मैं समाई धाम में था हमारा रामनवमी का उत्सव होता है हजारों के भारतवर्षीय लोग वहां पे आते हैं चारों तरफ के। तो मैंने से कहा रामनवमी पे लाना तब उसको देखेंगे मैंने कहा प्रभु जी के सामने बिठाएंगे प्रभु जी कराएंगे तो प्रभु जी की कृपा होगी। सारी बच्ची को हमने दीक्षा दी अभी तो वो घर में बहुत खड़े कर दी थी तो जब मेरे पहले दीक्षा के लिए बैठी ना मैं बेहद कमल कर रहा था उसने पूरी आंखें दाल कर दी भयंकर अपने ऐसे देखे मेरे तभी करके मैं उसको ऐसे देखा क्या बात है वो गुस्से में प्यार से देखा जब मैंने लग गई और वो कहती है ये अम्मा ठीक है अम्मा ठीक। तो ऐसे ही मैंने इनसे कहा उसको लेके आना अब उस बच्ची को ये चार दिन पहले ले आए अब वो मेरे सामने ऐसे तरीके आके बैठ गई मैं सामने बैठा हुआ चार दिन पहले जो मेरा परिवार आया
मुझसे कौन से बात चलती रही, तो गुरु जी आपकी कृपा से डॉक्टर दूसरे से जो है उन्होंने इतना टाइम दे दिया 8 दिन का, मतलब पागल समय मिल गया 8 दिन का। अब एक काम कर, सब बच्चे बच्चे मिलकर रात में पाठ में लग जाओ, सब पाठ में लगा को सब लोग पाठ में लगते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, वो पाठ में लगे हम भी प्रार्थना करते हैं, मैं पूरा पहुंच गया। तो क्या हुआ, अब देखो वहां पर क्या लिया चलती है इनकी, कैसे लिया करते हैं वो वहां पे, उसको एडमिट किया पहले दिन ही उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया नर्स ने, उसने मेडिसिन लेके चली गई, सुबह आके देख दिया तो बच्चा की उससे निकल चुका है। नर्स कहती है उससे, आपकी कोई भगवान है, दीदी पूजा करते हो ज्यादा, क्यों बताओ सही, जब जी करते हो नहीं तो हमारे गुरु जी है तो इनकी पूजा करते हैं, कोई हमारा नाम है हमारे गुरु जी है, उन्हें मोबाइल में डॉक्टर गुरु जी दिखा दिए पूजा करते हैं। अरे बोले जानते हो क्या हुआ, डॉक्टर इंजेक्शन दे गई थी ना वो मुझसे गिर गया, मैं गलती बारे पानी का इंजेक्शन लगाया था। ऐसी कृपा है दरबार से होती रहती है। अभी हम गरीब प्रोग्राम में गए थे, गरीब हमारे प्रोग्राम में सब लोग हमारे साथ थे, वो पंडाल लगाया था 50,000 बैठे हुए थे, तो गरीब है पूरी तरह संतोष ये भी था सब साथ थे, गरीब में क्या था वहां पर भूत प्रेत तो आविष होते वहां पे, वहां ज्यादातर लोग भूत प्रेत के आविष होते रहते तो वहां भूत भी जाए लगे समय हुआ है। गरीब में जब वहां प्रोग्राम था तो शाम को बच्चे को लेके आए मेरे पास, जो 3 साल से ना तो बोलता था ना खाता सोता था, और रात में अपनी माँ को मारने का फिक्र था, तो ऐसा उसका बुरा हाल था। तो उसको मेरे पास आए बोले गुरु जी लाखों रुपए खर्च कर लिए, 3 साल में 6 महीने चाहे 6 महीने, तो बोले गुरु जी लाखों रुपए खर्च कर दिया है इस बच्चे को, ना कोई बोलता है ना खाता है और मारपीट करता सबके साथ, तो बोले आपके पास आए हैं। मैंने कहा अच्छा लाओ, अब पूरे लोग आ गए और भी लोग अपने गाँव के साथ लेके आए, पहले मैंने उसको ऐसे आरती का बुला दिया, उसको हल्की से हल्का थी उसके तब बोला मैंने क्या नाम है तेरा, नहीं बोले नहीं क्या बोला, उसका प्रसाद की दो पत्ती ये खा, मैंने पट खा गया जो है मैंने खा लिया, अच्छा मैंने कहा अभी और कुछ नहीं खाया, पंडाल लग गया और ये उससे 200 लोगों ने दीक्षा ली, दीक्षा 200 लोगों की हुई, अब मुझसे मिलने आते दीक्षा में सुभाष नाम था उसका। अब क्या हुआ वो पूजा नहीं होती,
दीक्षा ले गई थी मुझसे, वो मुझे फोन करती पा गुरु जी बता दो से क्या हुआ है। मैं कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक कर दो इसे। प्रभु जी ठीक करते हम नहीं करते, हम तो जानते हैं प्रभु जी, प्रभु जी बोलो कृपा हो जाएगी, पाठ करो कृपा हो जाएगी, नहीं आप भगवान आप कम चल रही हो। मैं कह रहा हूँ उसे प्रभु जी करो, हम चाहे फोन कर, हम मैंने कह दिया उसका नाम सिद्ध कर दिया, अभी फोन करेगा फोन नहीं उठाऊंगा। वही फोन चलो वो नए नए नंबर से फोन करने लग गई, कहीं कौन भी पूछा, अरे इसको मैंने कहा अच्छी दीक्षा थी, मैंने फंसिया लेकर दीक्षा। अब क्या हुआ चमन जी इनकी ध्यान वो थोड़ा सा शिष्टाचार में ध्यान साधना भी करती है, तो मैंने कहा वो इतनी जवानी की वो ध्यान है उसने दीक्षा दी है, परेशान कर दिया उसने, तो मैंने प्रभाव में बैठा देखा वही फोन कर देती है उसको समझा जरा। चमन ने उससे बात की, चल भाई गुरु जी एक काम करो आप उससे एक बार वीडियो कॉल कर लो, ऐसा कर लो Thank you.
महात्मा से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, नायक महात्मा को मुझे गभ्या मेजर होटल के में हमें प्रयोग के लिए जब रस्ते से आत्मा दुर्गे करो स्वाम बहुत प्रदर्शन आदि करने से, बहुत मीठी मीठी भाषा से ही बोलने से, गुरु का रूप बनाने से वो सत्ता नहीं आती। वे वे करो स्वाम जिसको वो बंधन कार्य गीता में पढ़ लेते या पढ़ लेते पूर्ण समुद्र मिल जाती है, जीवात्मा परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा ही बन जाया करता है। तो वो प्रवचन आदि करने से वो सत्ता नहीं आती। बड़े बड़े अच्छे महात्मा होंगे भीड़ बहुत रुपया मिल जाएगी, भीड़ का मतलब यही वो सत्ता है। वो कहाँ आती है, वो पावर हाउस किसके हृदय में मंदिर बनाता है अपना रिपेयर उसको पहले बनाता है। तो दूर के अंदर धारे तो झपेड़े खाए गए तो गड़बड़ी करेगा। स्वयं के लिए प्रार्थना की स्वयं मंदिर प्राप्त करती थी, स्वेदी अभी डूब रहा है, स्वेदी का क्या कृष्ण है, ऐसे तो स्वयं वासना भरी हुई है, जो क्या पार करेगा। बनाते धूप झाक के एकदम जलाते हैं उसकी हरे एकदम जलाते हैं धूप झाक के फिर उसको बनाते हैं उसके हृदय में अपना मंदिर बनाते हैं। ऐसे हमारे श्री पंडित प्रभु जी रामदास जी महाराज एवं घटना याद आ रही है मुझे कैसी कृपा होती है। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे श्री माता जी थे, एक जनक है कुरुक्षेत्र में, उनने अपनी बहन से कहा, उनकी बहन की उम्र थी 70 साल की, तू भी दीक्षा ले ले, तू भी दीक्षा ले ले, कहते गुरु ने गति दी थी। वो अभी दीक्षा ले ली, हजार की महिला थी, दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद प्रकृति माँ दीवार नहीं पड़ी। अब जब मैंने दीक्षा के बाद माने में पूजे लगाई थी, मैं सबको स्वरूप दे रहा था, ठीक है, अब स्वरूप में खत्म। अब वो आई मेरे पास और वो बोलो मंजे बोलते हैं मंजे में, और भाई इतने मंजे में बैठे मेरे वही मेरे स्वरूप दे दी, स्वरूप तो है कहाँ से दे दूंगा, स्वरूप ले गई यहाँ भी स्वरूप दे दे मुझे। मेरा ही मंत्र दीक्षा मंत्र मिलता है, हम क्या करते हैं, हम तो हाई कनेक्शन
आश्चर्य होते हैं। हम तो उनके नौकर कह दो, उनके कण के रज के सेवक कह दो, कुछ भी कह दो, तो हम तो खाली कैसे जो देते हैं, बाकी तो खेत उनका तुम्हारा होता है। हमारा क्या काम है, हमें याद करो मत करो, हमें देखो मत देखो, बस खाली हमारी बात मान लेना, उनको याद कर देना। जो उनको याद करेगा, उनको देखेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, चाहे दीक्षा हुई हो ना हुई हो, उस पर उनकी कृपा अवश्य होगी होगी। तो फिर उसके बाद सुबह ही वो मेरे पास पांच देगा, ये बोला कहां से आ गई, पांच आ गई, वहां पे बैठ गई, आसन कर रहा था, बैठ गई, बोली अरे कमाल हो गया ना, तो क्या हो गया, कैसे तेरे पड़ोसी आ गए, वो इतने बड़े गुरु, वो तो फिर अच्छा धुका तो डी जाएगी, हम नहीं कहूंगी बच्चे ने माँ को दीक्षा में दिए पांच रुपए, और ये क्या हमारे कर रहे हैं। तो अब ये बात कर रहे रमेश की कहेगी वो जीएसटी वाली, हाँ ठीक है, वो ऐसा हुआ भी बहुत घटना है, इतनी घटना सुना है, इतनी घटना रात में कृपा होती रहती है। अभी हम पूरा प्रोग्राम करके आए, पिछले वर्ष की बात है, एक ममता है हमसे दीक्षा के हस्बैंड के साथ, जो कोई भी बात नहीं मैं फोन करती छोड़ती नहीं है, आप क्या नहीं फोन कर दिया, पति के दर्द हो रहा है, अरे वो अभी खाने का दर्द तो नहीं हुआ, हम तो क्या करें, दर्द तो वो क्या हुआ कि उनकी जीएसटी नंबर जो उसका मित्र ले लिया और उसने क्या किया, उसने 4 करोड़ 5 8 करोड़ 8 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिया उसके नंबर से। अब फंस गए, अब उनको कौन आया, उनको बुलाया गया, उनकी इंक्वायरी वगैरह हुई, वहां जो और लोग अधिकारी थे छोटे मोटे वो उनसे बोले, उन्होंने मुझे फोन किया, उनकी ऐसी तरी बात है और क्या नाम है इसका, आप कृपा कराओ, कृपा करो, चिंता मत करो, पंजी कृपा करेंगे। मतलब क्या कह रहे हैं उनका, बोलो तो कह रहे हैं FIR दर्ज करा दो, मैं करा दो, उनकी खतरा तो कोई नहीं, कोई नहीं हुआ, उनने FIR दर्ज करा ली। उसके बाद बोलो ये FIR, अब वो तुम आगे छोटा अधिकारी था, वो कहता ना हुआ कि तुम पैसे दे दो, उसने कसता पसता कसता पैसे दे दो, मैं तुम्हारा कर्जा करा दूंगा, खिला पिला के पैसे तुम फंस जाओगे। उसने कहा उससे फोन किया, नहीं कह रहे हम तुम्हें 5 पैसा भी नहीं देंगे, उन्होंने कोई कह दिया उन्हें हजारे का सिरसा के पास का है, उन्हें हम 5 पैसे भी नहीं देंगे, तुम क्या वो कर लेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा फिर उससे मेरी सबसे शिकायत करी उसकी, उन्होंने कहा आपके घर पे मकान पर छापा मारने आ रहे, फिर उसे फोन किया, उन्हें कहा आए उन्हें किया नहीं है, तो अभी तुम्हारे सामने चिंता करते हो। अब वो आए घर के बाहर खड़े हुए और वापस लौट गए, जीवन में नहीं जा रहे, अब जा भी लौट गए। अब देखो पंजी के पास सबसे बड़ा अधिकारी होगा डिपार्टमेंट का, वो उनको बुलाता है, अपनी पासबुक वगैरह सारे अकाउंट के सामान मेरे पास लेके आओ, बात है चिंता मत करो, मैं आपको रास्ता बताऊंगा कैसे आपका सब खत्म हो जाए, खुद अधिकारी रास्ता बता रहा है, कृपा चल रही है, रास्ता बताया उसने। अब जो बंदा था तो कहना पैसे को तो फंसा दूंगा, वो दूसरी पार्टी से लिया जाता है, उससे मेरा मुझे मैं इसको फंसाऊंगा कि मुझे आप 5 लाख रुपए दे दो, उनने तैयार हो गए, वो जितने कवर किया था पैसे का गाना किया था, जैसे वो 5 लाख देने लग गए उसके बहुत तक कर रहे प्रभुजी के बच्चे को, वो ऐसा स्पॉट पकड़े गए, वो सस्पेंड भी हो गए, जेल में भी हो गए, और प्रभुजी का बच्चा फिर भी बड़ी है। ऐसी घटना आंटी उतारे आकर उस दरबार आकर इस दरबार में देवी देवता आरती उतारे आकर इस
Thank you.
गाड़ी भाड़ी जो भी है घर में खड़े रहते हैं,
और उसकी मृत्यु हो जाती है ना। भागना के लिए शमशाने और उसके रिश्तेदार घर वाले भागक जाते शमशान कर लोग मारे और उसके रिश्तेदार लोग होते खड़े होते इसका जलती रहता। चल गई रात बात कर तो गड़बड़ हो रही है बहुत बिजली में डाल देते हैं चार सौ भगत चलोगे किसी को टूटी लगा दिए तो ऐसी उठी गिर दी हो बाद में तो बहुत गड़बड़ होती है। तो चला कर्मानु गच्छन्ति जीव का जीवात्मा अपने अच्छे और बुरे कर्मों को लेकर अकेला चला यात्रा पर निकलता है। ये पिछड़ा ये तो नहीं रह जाया करता है जो आत्मा है उसको शरीर के साथ अपने कर्मों की कठिनाई को लेकर साथ चलता है। इसलिए कहा है गुरुवर काम क्या होता है दुर्भगित रही ना कोई जो ब्रंची शंकर सब हो लिया क्या शंकर के समान विष्णु के समान भी बन जाए गुरु के बिना नहीं कर सकता। देवी देवता तुमको आशीर्वाद दे देंगे तुम्हारे पुण्य फल देखकर तुम्हारे पूजा पाठ देखकर तुमको आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन गुरु कैसे है भाई तू पूजा पाठ कर या मत कर कुछ कर मत कर उनसे प्रेम कर ले उनको याद कर ले सब पाप दूर कर देंगे फिर काम बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसे दरबार में आप लोग बैठे हैं और इनका प्रेम गाना तो गाना गाना ही है गांव में आरती करेंगे चलो ठीक है फिर आरती करके पूजा की चीजें देंगे आरती की सबको प्रसाद बांटेंगे भंडारा हो रहा है आज सब भंडारा पाना बोले सर बोले भगवान की
इंटरेस्ट रहेगा। अरे इनका मैं जो मैं Thank you.
I'm not afraid of the dark.
बैठे हुए माता जी का हमेशा जिक्र करते हैं, ये साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं, जिनको दर्शन चाहिए आके बराबर करके मानिए, मानना पड़ेगा आपको। इसलिए बोलता हूँ, किसके मन में क्या है ये सब पहचाने हैं, हम अद्भुत वाले मोहन के दीवाने हैं, हम अद्भुत वाले मोहन के दीवाने हैं, हम अदा वाले गुरु जी के दीवाने हैं, हम अदा वाले गुरु जी के दीवाने हैं, हम मेरे तेरे तेरे जाने वाले हैं, अद्भुत वाले मोहन के
मेरे दरवाजे पे देखा एक नजारा, देने वाला देता जाए लेने वाला हारा, देने वाला देता जाए लेने वाला हारा। आया आया रे मैया तेरे दरवाजे पे देखा एक नजारा, मैया तेरे दरवाजे।
Bye.